गंगा जमुना स्कूल दमोह मामला। एमपी पुलिस की कार्यवाही से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नाराज। नमस्कार, मैं हूं रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं डिजिटल वीडियो न्यूज चैनल एमपी 7 न्यूज। देखिए पूरी खबर। दमोह के गंगा जमुना स्कूल मामले में स्थानीय पुलिस की कार्यवाही से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नाराज है। बाल आयोग का मानना है कि इस मामले में पुलिस को धर्मांतरण और देशद्रोह से संबंधित धारा स्कूल प्रशासन के खिलाफ लगानी चाहिए थी, जो कि नहीं लगाई गई है। अब इस मामले में आयोग के अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है। करीब सप्ताह भर पहले दमोह के गंगा जमुना स्कूल में बोर्ड परीक्षा में टॉपर बच्चियों का एक फोटो वायरल होने से प्रदेश के साथ साथ देश में भी हड़कंप मच गया, क्योंकि इस पोस्टर में कई ऐसी बच्चियां जो गैर मुस्लिम थी हिजाब नुमा ड्रेस पहने दिखाई दी थी। जब इस मामले में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने कार्यवाही के निर्देश दिए, तब जाकर स्कूल संचालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 295, 506 और जेजे एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। हालांकि स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों के साफ तौर पर बयान थे कि स्कूल में धार्मिक शिक्षा दी जाती है। इतना ही नहीं, स्कूल प्रबंधकों के द्वारा स्कूल तथा संस्थान के अन्य प्रतिष्ठानों में भारत का नक्शा दिखाया गया था, उसमें भी छेड़छाड़ के साथ आरोप साबित हो रहे थे। लेकिन दमोह की पुलिस ने इस मामले में धाराएं दर्ज नहीं की। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनांगो ने इसे लेकर गहरी आपत्ति दर्ज की है। उनका कहना है, क्योंकि पूरे साक्ष्य मौजूद है, इसलिए इस मामले में धर्म स्वतंत्र विधेयक के तहत और देशद्रोह का मामला भी दर्ज होना चाहिए। इसी को लेकर उन्होंने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। हैरत की बात यह है कि इतने संवेदनशील मामले में जब मुख्यमंत्री खुद कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं, तो दमोह का जिला प्रशासन न जाने क्यों स्कूल प्रबंधक के पक्ष में शुरुआत से नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के इस पत्र के बाद राज्य सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ एमपी 7 न्यूज। प्रवेश प्रारंभ, एडमिशन ओपन। शिक्षा के क्षेत्र में कुकड़ेश्वर का सबसे अग्रणी संस्थान छत्रपति गवर्नमेंट स्कूल कुकड़ेश्वर। शिक्षा के साथ दिए जाते हैं संस्कार। अपने बच्चों को प्रवेश दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। शिक्षा ही जीवन का आधार, एक कदम शिक्षा की ओर। हमारी सेवाएं हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, योग्य और अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन। न्यूनतम एडमिशन फीस, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, सामान्य ज्ञान छात्र छात्राओं को मिलेगा, शासन की योजनाओं का लाभ, समय समय पर खेल प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अन्य उपयोगी सुविधाएं, भयमुक्त वातावरण कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। स्थान कुकड़ेश्वर में कई वर्षों से संचालित छत्रपति गवर्नमेंट स्कूल ब्राह्मण मोहल्ला कुकड़ेश्वर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्कूल संचालिका श्रीमती मधु ओझा। संपर्क नंबर 9575273860।